Hello everyone, welcome to Abhishek Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English lesson 2. We are not afraid to die if we can all be together and today's video lecture we will see summary of the lesson. So let's start. ये लेसन लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन इस्ट के द्वारा और ये जो स्टोरी है यह स्टोरी 37 सेवन ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन की है जिन्होंने जुलाई 1976 में एक योजना बनाई थी कि वो सीवेज यानी समुद्र यात्रा के थ्रू पूरे संसार का भ्रमण करना चाह रहे थे और ये जो यात्रा है वो प्लाई माउथ इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी और ये जो यात्रा का जो ड्यूरेशन था वो थ्री ईयर्स प्लान था एंड दो सौ वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने एक यात्रा की थी पूरे संसार की यात्रा की थी सी के थ्रू सो इन्हीं की वो कॉपी करना चाह रहे थे अब यात्रा में कौन कौन जाते थे यात्रा में कौन कौन गए यात्रा में ऑथर जो नरेटर है जो बिजनेसमैन है वो गए जो थर्टी सेवन ईयर ओल्ड थे और उनकी वाइफ मैरी उनका बेटा जोनाथन जो उस समय सिक्स ईयर ओल्ड थे और उनकी बेटी सुजैन जो उस समय सेवन ईयर ओल्ड थी सो so ये जो है यात्रा के लिए निकलते हैं अब यात्रा के लिए निकलते हैं तो साथ में दो लोग और लेकर के जाते हैं यानी यात्रा के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में तो फैमिली जाते हैं और सेकेंड पार्ट में दो क्रूमैन ले के जाते हैं दो क्रूमैन मीन्स होता है दो जहाजकर्मी सो so, उनका नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सैगलर और जब ये यात्रा करते हैं तो एक सीप के सहारे करते हैं तो वो जो सीप था सीप का नाम था वेव वॉकर जो कि काफ़ी मजबूती से बनाया गया था कहते हैं कि इसे बनाने में महीने लगे थे कई महीने लगे हुए थे और जो नरेटर है वो स्वयं इसे बनाने में काफ़ी हेल्प किए हुए थे और इसकी जो लंबाई थी वो लंबाई थी ट्वेंटी मीटर और इसका जो वजन था वो थर्टी टन था एंड ये वुडन हर्ल था मीन्स इसे काफ़ी लंबे समय के लिए यात्रा के लिए बनाया गया था सो इसे काफ़ी मजबूती से बनाया गया था अब जब ये यात्रा स्टार्ट करते हैं तो जर्नी का जो फर्स्ट पार्ट रहता है काफ़ी अच्छे से बीतता है फर्स्ट पार्ट में ये एक लाख पाँच छः किलोमीटर की दूरी तय करते हैं जो कि काफ़ी खुशनुमा रहता है काफ़ी अच्छे से बीत जाता है एंड ये कहाँ से कहाँ तक रवाना हुए थे वेस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक अब यहाँ तक की जो यात्रा थी वो काफ़ी अच्छे से भी थी अब इन्हें यहाँ से जाना था ईस्ट साइड की ओर अब जब ये ईस्ट साइड की ओर जाते हैं तो दो क्रूमैन जिसकी हमने बात की थी उन दो क्रूमैन लैरियन हर्ब को साथ में लेकर के जाते हैं अब जो दिक्कतें हैं वो धीरे से आने लगती है कौन सी दिक्कतें कि जो वेव्स है वेव्स है वो काफ़ी आने लग जाती हैं काफ़ी ऊंचाई पे आने लगती है और जो मौसम है वो थोड़ा ख़राब होने लग जाता है तो इनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है बट कैसे भी करके क्रिसमस का जो डे रहता है ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को ये काफ़ी अच्छे से मना लेते हैं अब जो मौसम है वैसा का वैसा ही रहता है नया वर्ष आ जाता है नए वर्ष में भी सुधार नहीं आता है आगे ये लोग बताते हैं कि जो चिंता है इनके चिंता का कारण ये था कि जो वेव्स की जो हाइट थी वो लगभग 15 मीटर थी जिससे इनके लिए जो है ये चिंता का विषय था बट कैसे भी करके ये उस समय अपना जो समय था वो अच्छे से निकाल रहे थे आगे जो समस्या है वो सेकेंड जनवरी को जनवरी को आने वाली थी इट मीन्स जो मौसम था काफ़ी शांत हो गया था जो बादल हो काफ़ी काला हो गया था एक तरह से ये होता है कि जब समस्या आने लगती है तब एक तरह से शांति छा जाती है तो वैसे ही एक माहौल बन गया था पूरी ओर शांति बन गई थी और जो घटा है जो घनघोर हो चुका था इट मीन्स इनको एक समझ में आ गया था कि कोई घोर विपत्ति आने वाली है और इसलिए ये एक तरह से प्रिकॉशंस अपनाते हैं जैसे ये जो जीप है जीप को यानी जो पाल है उसको वो नीचे कर देते हैं और जो डोर है यानी जो रोप है रोप के सारे मजबूत रोप के सारे वो चारों ओर को सराउंड कर देते हैं और लाइफ लाइन से अटैच कर देते हैं अपने आप को भी लाइफ लाइन से रोप के सहारे अपने आप को भी बांध लेते हैं एंड जो लाइफ लाइट जैकेट्स है लाइट जैकेट्स भी पहन लेते हैं एंड जो वेव क्राफ्ट्स है वेव क्राफ्ट्स की भी इन्होंने व्यवस्था की थी वेव क्राफ्ट्स वो होते हैं जिसके सहारे ये तैर सकते हैं यानी अगर ये जहाज़ यदि डूब जाता है तो ये वेव क्राफ्ट्स के सहारे ये बच सकते हैं सो so इस तरह से इन्होंने प्रिकॉशंस अपना लिए थे अब जैसे ही सेकेंड जनवरी का छः बजता है जैसे शाम का छः बजा फिर एक बड़ा सा क्लाउड सामने को काफ़ी रफ्तार से आ रहा था इनको लग रहा था कि ये बादल है ये क्लाउड है बट जैसे ये नज़दीक आता है इनको समझ में आ जाता है कि ये बादल नहीं बल्कि ये एक वेव थी यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव थी जिसकी ऊंचाई अन्य वेव की तुलना में काफ़ी दुगनी थी लगभग हाइट लगभग दुगनी थी अब आप समझ सकते हैं जो बादल जैसा दिखाई दे रहा था क्लाउड के जैसा वो बादल या क्लाउड नहीं है बल्कि ये एक वेव है एक लहर है सो ये काफ़ी घबरा जाते हैं और जो वेव है वो सीधा जहाज से टकरा जाती है अब जैसे अब जैसे ही वेव जहाज से टकराती है जहाज़ का जो डिस्क है वो टूट जाता है او जो पानी है वो डेस्क में भरने लग जाता है यानी जो जहाज़ है उसमें भरने लग जाता है अब जो नरेटर है वो बताते हैं कि उनका जो सिर है वो व्हील से टकरा जाता है उनके जो दांत है वो टूट जाते हैं उनका मुंह खून से भर जाता है और उनके जो बाएं साइड की जो पसली है वो टूट जाती है और वो जहाज़ से बाहर गिर जाते हैं चूंकि वो लाइफ लाइन से बंधे हुए रहते हैं तो वो फिर से जहाज़ में आ जाते हैं और वो जहाज़ में ही तैरने लग जाते हैं क्योंकि जहाज में पानी भरा हुआ रहता है उसकी जो बेटी रहती है उनकी जो बेटी रहती है सुजे सुजैन को भी चोटें लग जाती हैं उनका हाथ कट जाता है और उनका जो सिर होता है हल्का से वो उसमें आ जाता है और जो आगे जो है ये सोचते हैं कि अब शायद हम नहीं बच पाएंगे इट मींस ये हार मान जाए रहते हैं उस समय बट कैसे भी करके हिम्मत करते हैं और ये आगे देखते हैं कि जो लैरी एंड जो हर्ब नाम के जो दो क्रू मैन हैं वो पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे होते हैं ताकि जहाज में अगर पानी पूरी तरह तरीके से अगर भर जाता तो जहाज़ पूरी तरीके से डूब जाता सो so, ये लोग जो है पानी को पागलों की तरह फेंक रहे होते हैं इनके जो बच्चे काफ़ी घबराए हुए रहते हैं बट इनकी जो बेटी है तकलीफ़ में होने के बावजूद भी वो शिकायत नहीं करते अपने पेरेंट्स को कि मुझे चोट लगी है वो समझ जाते हैं कि इनके पापा लगे हुए हैं सो इस तरह से काफ़ी मशक्कत करने के बाद काफ़ी दिक्कतें उठाने के बाद ये पानी को बाहर फेंकने की तलाश में लगे रहते हैं जो हैंड पम्प रहता है वो वो भी ख़राब हो गया रहता है इलेक्ट्रिक पंप वो भी ख़राब रहता है तो कैसे भी करके एक आग इलेक्ट्रिक पंप्स के सहारे ये पानी को जहाज से बाहर निकालते हैं और ये लगे रहते हैं लगातार कोशिश करने के बाद ये थोड़ा सा सफल हो जाते हैं और आगे चल करके थर्ड जनवरी आ जाती है थर्ड जनवरी में ये सोच ही रहे होते हैं क्योंकि इनका जो डेस्क है इनका जो जहाज़ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका रहता है तो ये उतना अच्छे से नहीं चल पाता ये जो जहाज़ है जैसे पहले चल रहा था वैसे नहीं चल पाता है ये सोच रहे होते हैं कि कोई आयरलैंड कोई द्वीप मिल जाए तो वहाँ पे रेस्ट करे बट ऐसा नहीं होता है और आगे जो है फोर्थ जनवरी आता है फोर्थ जनवरी में थोड़ा सा मौसम कुछ समय के लिए ठीक रहता है इनकी जो वाइफ रहती है मैरी उनको कुछ कॉर्न मिल जाते हैं कुछ कॉर्न बीफ मिल जाते हैं एंड कुछ जो बिस्किट्स है क्रैकर बिस्किट्स है वो मिल जाते हैं तो लगभग दो दिनों बाद ये उन चीज़ों को खाए रहते हैं मीन्स इससे पहले दो दिनों तक ये भूखे रहते हैं पानी को लगातार फेंकते रहते हैं मीन्स लगे रहते हैं संघर्ष करते रहते हैं अब आगे चल कर के ये जो समय था वो कुछ ही समय के लिए था मीन्स कुछ ही समय के लिए इन्होंने आराम किया था कि फिर से जो मौसम है वो ख़राब होने लग जाता है फिर से वेव्स आने लग जाती है अब इस तरह की समस्याओं को देखने के बाद उनका जो बेटा है जोनाथन वो अपने पापा को कहता है डैड क्या हम मरने वाले हैं तब जो नरेटर है वो आगे बताते हैं कि नहीं बेटा हम मरने वाले नहीं हैं और जो लेसन का जो शीर्षक है वो टाइटल वो कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर मींस इस तरह से वो अपने बेटे को एक तरह से अपने बच्चों को वो प्रोत्साहित करते हैं वो हिम्मत दिलाते हैं कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ में हैं तो इस तरह से वो अपने बच्चों को हिम्मत देते हैं और फिर इस तरह से वो काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं आगे चल कर के सिक्स्थ जनवरी आ जाती है सिक्स जनवरी में ये जो है कहते हैं कि ये एक लाख पचास हज़ार किलोमीटर वाइड की जो आ, जो ओशन है उसमें रह कर के ये पैंसठ किलोमीटर सिर्फ पैंसठ किलोमीटर चौड़ाई वाले द्वीप को खोज रहे होते हैं बट ये पा नहीं रहते हैं बट कैसे भी करके जो वेव्स है वेव्स की जो तरंगे हैं मीन्स वो आती रहती हैं लहरें आती रहती हैं ये काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं बट हार नहीं मानते हैं कुछ समय के लिए होता है कि ये जो है जो नरेटर है और उनकी जो वाइफ है वो एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद हम नहीं बचेंगे शायद हम इस हिम्मत इस दिक्कत से शायद निकल पाएंगे भी या नहीं सो इस तरह से वो काफ़ी भयभीत रहते हैं बट कैसे भी करके वो हिम्मत करते रहते हैं और अंत में वो जो नरेटर है वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं कि वो जहाज़ को वन एट्टी डिग्री पे वो मोड़ दे और इस तरह से कहकर वो दो बजे रात के दो बजे वो जा करके सो जाते हैं जब सुबह होती है तो उनके जो बच्चे हैं वो उनके पास आते हैं और और उनको उठा देते हैं उनको जगाते हैं और कहते हैं कि डैड क्या हम आपको हक कर सकते हैं क्या हम आपके गले मिल सकते हैं सो so इस तरह से जो जो वो कहता है और उनकी जो बहन रहती है वो भी वहीं पे रहती है सुजैन भी सो so दोनों बच्चे जो है वो कहते हैं तो वो जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे हक क्यों करना चाहते हो मीन्स इट मीन्स ये क्या है तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम आपसे हक इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप इस संसार के सबसे बेस्ट फादर हो आप इस संसार के सबसे बेस्ट कैप्टन हो तो वो कहते हैं क्यों ऐसा तुम लोग क्यों कह रहे हो तो वो बच्चे जो है बताते हैं कि हमने आपके मार्गदर्शन के द्वारा हमने उस द्वीप को खोज लिया है मीन्स वो जो द्वीप था एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम नाम का था ली एम्स्टर्डम एंड वो इस तरह से खोज लेते हैं अब वहाँ पे ये लोग आराम करते हैं और ये जो समय था काफ़ी आकर्षक समय था काफ़ी अच्छा समय था और इस द्वीप में लगभग 28 एट रहते हैं जो कि जो निवासी रहते हैं 28 निवासी वो इनकी मदद करते हैं और इस तरह से इनकी जो यात्रा होती है वो सफल हो ही जाती है और इस तरह से ये अपनी जो समस्याएँ हैं ढेर सारी समस्याएँ आती गई आती गई और इन्होंने काफ़ी एक साथ मिलकर के उस समस्या का मुकाबला किया और इस तरह से इनकी जो यात्रा है सी वोज है वो कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से उनके जो बच्चे हैं वो भी शिकायत नहीं करते हैं विपत्ति आने पर भी शिकायत नहीं करते हैं इनका जो बेटा है जोनाथन वो कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता और उनकी जो बेटी है उनको चोट लगी रहती है उसके बावजूद भी वो शिकायत नहीं करते अपने पेरेंट्स से और इस तरह से इस लेशन का जो टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन All be together, ye yeah, perfect. I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.